जनपद में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ का पानी कम होने के बाद वहां पर मेडिकल टीम लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उचित परामर्श और दवाओं का वितरण किया जा रहा है। संबंधित क्षेत्रों में कंट्रोलिंग भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू और जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिससे संक्रामक रोग फैलने से बचाया जा सके। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी व्यवस्थाएं निरंतर जारी है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बाढ़ सामग्री निरंतर हम लोग बांटी रहे हैं और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे पानी रिसीड हो रहा है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में हम लोगों को मेडिकल टीम को डिप्लॉय करते हुए काम कराना है। उसे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग हो रही है। सभी टीम, प्रशासन की टीम, मेडिकल टीम और सभी क्रियाशील हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए डेंगू और जलजनित बीमारियों से बचाने के लिए। जो सोर्स रिडक्शन की व्यवस्था है वो करने के लिए हमने व्यवस्था की है, आगे भी करते रहें।